कुछ सत्य है, मीडिया कहता है कि भाई अलायंस हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। अभी तक बींग ए कांग्रेस प्रेसिडेंट एज ए इंचार्ज दविंदर जी और सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे से लीडरशिप ने आज की मीटिंग में भी इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई है कि अलायंस या सीट शेयरिंग के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। जो व्यक्तिगत विचार आए हैं क्या उसमें आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर है या विरोध में है? जो व्यक्तिगत विचार मीटिंग है, एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए। पहली बात तो ये है, क्लोज डोर मीटिंग थी हमारी, क्लोज डोर मीटिंग थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, एक बात बहुत पक्की है जो कांग्रेस की लीडरशिप ने हमें बात कही है कि आपके व्यूज को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो कांग्रेस है वो एक सोच, एंड पंजाब हैज ऑलवेज विस्टुड, जो आज नेशनल गवर्नमेंट सारे हिंदुस्तान में कहीं जीत की होगी मगर पंजाब ने वहाँ भी इसका मुंह मोड़ा है। तो दे हैव कैटेगोरिकली टोल्ड अस, यू नीड नॉट वरी, आपका व्यू हमने ले लिया है और कांग्रेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो आज माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी के साथ हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पंजाब की आज जो मीटिंग हुई, उसमें आने वाले समय में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हमें अपने चुनाव को, जो आने वाला 2024 का चुनाव है, उसको किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे, क्या क्या वहाँ पर हमें कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से हम आगे उसको बढ़ के मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ सकते हैं, उस बारे में सभी हमारे सीनियर लीडर्स ने अपनी अपनी राय दी है। और काफ़ी पॉजिटिव माहौल में सभी ने बहुत पॉजिटिव अपने अपने विचार रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब एकजुट होकर मिलकर 2024 की चुनौती के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस को लेकर आगे तुम कर लो सर, जो अलायंस रहेगा 2024 के लिए राजा सर, इस प्रकार की अगर किसी के कोई अपने विचार थे, ये इस बात लीडरशिप की तरफ से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों के अपने अपने विचार लोगों ने अपनी अपनी तरफ से किसी प्रकार के रखे, लेकिन बात ज़्यादा क्या हुई कि स्ट्रैटेजी किस प्रकार से हमें चुनाव लड़ना है, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना है, कैसे हमने आने वाले 6 महीनों में अपनी तैयारी करनी है, कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, कैसे हमने बूथ पर जो लोग काम करेंगे उनके लिए हमने क्या उनको मिशन देना है, ये तमाम सारी चर्चा रही। सब लोगों ने अपनी बातचीत रखी लीडरशिप के सामने, और लीडरशिप ने कहा, जैसा मैं आपको पहले कह के गया हूँ, कि किसी प्रकार का कोई भी जो अपने आपके लोगों के विचार हैं हम उनको सुनेंगे, उनके मुताबिक ही आने वाला जो प्रोग्राम है, चाहे वो बूथ कमेटियाँ बनानी हो, चाहे कोई और कार्यक्रम शुरू करना हो, चाहे कोई पद यात्रा शुरू करनी हो, वो हम आने वाले दिनों में वो लिखेंगे और करेंगे। दो दिन बाद फिर बुलाया है क्या? फिर मीटिंग नहीं, हमें हमें अभी तक नहीं बुलाया, हमारे इंचार्ज सब यही हैं, किसी प्रकार का दो दिन बाद हमें नहीं बुलाया। अगर असमंजस नहीं होगा, कार्यकर्ताओं में स्पष्टता नहीं होगी, तो तैयारी कैसे होगी? तो मैंने कहा कि अभी ये 3 महीनों से यही एक चर्चा चल रही है मीडिया द्वारा, कुछ सत्य है, मीडिया कहता है कि भाई अलायंस हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। अभी तक बींग ए कांग्रेस प्रेसिडेंट एज ए इंचार्ज दविंदर जी और सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे से लीडरशिप ने आज की मीटिंग में भी इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई है कि अलायंस या सीट शेयरिंग के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। पंजाब यूनिट लगातार खिलाफत करती आई है, यू स्टिल ऑन योर कमेंट? हमने किसी प्रकार की कोई मुखालफत, पहली तो बात है, नहीं की है। हमने अपने अपने विचार रखे हैं, लीडरशिप विचारों की कदर करते हैं, हमने किसी और अंतिम निर्णय जो होगा, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, अंतिम निर्णय लीडरशिप का होगा, लेकिन अपने अपने विचार हमने देते हैं कि हर मुद्दे पे, लेकिन कोई किसी प्रकार की अलायंस के ऊपर कोई चर्चा नहीं। बाजवा सर, ये बताइए, अभी बरार साहब ने कहा कि ज्यादातर संगठन पे बात हुई, चुनाव पे बात हुई, अरे एक मिनट यार, अरे एक मिनट, देख लेंगे ना, सवाल तो कर लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बात हुई, जो व्यक्तिगत विचार आए हैं क्या उसमें आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर है या विरोध में है? जो व्यक्तिगत विचार मीटिंग, एक बात
अच्छी तरह सुन लीजिए। पहली बात तो ये है, क्लोज डोर मीटिंग थी हमारी, क्लोज डोर मीटिंग थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, एक बात बहुत पक्की है जो कांग्रेस की लीडरशिप ने हमें बात कही है कि आपके व्यूज़ को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो कांग्रेस है वो एक सोच, एंड पंजाब हैज ऑलवेज विस्टुड, जो आज नेशनल गवर्नमेंट सारे हिंदुस्तान में कहीं जीत गई होगी मगर पंजाब ने वहाँ भी इसका मुंह मोड़ा है। तो दे हैव कैटेगोरिकली टोल्ड अस, यू नीड नॉट वरी, आपका व्यू हमने ले लिया है और कांग्रेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू। जल्दी आओ, माइक हो जाएगा।